गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम अनुनासिक का प्रयोग सीखेंगे। अनुनासिक क्या होता है? तो बच्चों, ये सिरोरेखा है आपकी। सिरोरेखा के ऊपर एक से चांद बना होता है। चांद के ऊपर बीच में ये जो डॉट बनी होती है, इसको क्या कहते हैं? अनुनासिक, यानी चंद्र बिंदु। तो अनुनासिक का प्रयोग, जिसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं और अनुनासिक भी कहते हैं। अनुनासिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी ध्वनि जो है वो अपने नाक और अपने मुंह दोनों से ही आएगी। इसको बोलने में हमें थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। जैसे हमने पहले अनुस्वार सीखा था, सिरोरेखा के ऊपर डॉट, वर्णों के ऊपर क्या लगता था? डॉट। जैसे क, कै पे हमने चंद्र बिंदु लगाया तो बन गया। अब मेरे साथ साथ बोलना, इसमें थोड़ा मुंह भी खुलेगा आपका और नाक से भी ध्वनि आएगी। बोलिए का। ए पे लगा सिरोरेखा, ऊपर चंद्र बिंदु, आ। तो इसको क्या बोलते हैं? चंद्र बिंदु और अनुनासिक। अनुनासिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी मुंह से और नाक से दोनों से ध्वनि आती है। जे अपन पढ़ेंगे, मेरे साथ साथ पढ़ना। सा चंद्र बिंदु प, तो बन गया सांप। पै में हमने मात्र लगाई आ की, तो क्या बना? पा। फिर हमने चंद्र बिंदु पा च, तो क्या बन गया? पांच। क, कै में हमने आ की मात्रा, तो बना का। फिर हमने चंद्र बिंदु, तो बन गया का। फिर हमने लगाया च, तो बन गया कांच। स, स में आ की मात्रा, तो बन गया सा। चंद्र बिंदु, तो बन गया सा। च, तो बन गया सांच। ठीक है बच्चों, आया समझ में? इसे क्या बोलते हैं? चंद्र बिंदु। और दूसरा इसका नाम क्या है? अनुनासिक। और इसका बोलने का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से ही होता है। अनुनासिक व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है। अब बच्चों, आपको इसमें ये जो मात्रा आपकी ई, बड़ी ई, छोटी ई और ए, अ, इनकी मात्रा के साथ ही चंद्र बिंदु नहीं लगता है। दांत, तांगा, पूंछ, सांप, अंगूठी, आंख, कांच, पांच, आंच, पांव, सांस, बांस, सांच, फांसी, अंगूठा, आंगन, अंगीठी, धंसना, हंसमुख, पहुंचना, अंगड़ाई, लड़कियां, दांत, खांसी, हंसना, चांदपुर। माँ माँ करता आऊंगा, आंचल में छिप जाऊंगा, माँ को संग ले आऊंगा, जक्की सैर कराऊंगा। तांगे वाला, ये बच्चा बोल रहा है अपनी माँ को कि माँ माँ करता आऊंगा और कहाँ छिप जाऊंगा? आंचल, आंचल मतलब माँ का पल्लू, साड़ी का पल्लू। आजकल मम्मी अगर सूट पहनती तो सूट का जो आपका दुपट्टा होता है उसका पल्लू। बसंत ने तांगे वाले से कहा, चांदपुर गांव जाना है। चांदपुर यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। चांदपुर कितने किलोमीटर दूर है? 5 किलोमीटर। अचानक तांगा रुक गया। अचानक तांगा रुक गया, तांगा क्या हो गया? रुक गया। तांगे वाले ने कहा कि आगे सांप है। तांगे वाले तांगे से उतरा, उसने लकड़ी से सांप को भगा दिया।
बसंत बितांगे से उतरा, बसंत ने पांव में कांटा चुभ गया। बसंत के पांव में क्या चुभ गया? कांटा। सांझ हो चुकी थी, फिर वह तांगे में बैठकर चल दिया। चित्र पहचान कर शब्द पूरे कीजिए। क्या है? कुआ, चांद, ऊंट, सब में इसमें क्या लगेगा? चंद्र बिंदु। सही सब छांट कर रिक्त स्थान भरिए। बसंत के पांव में क्या चुभ गया? कांटा। बसंत चांदपुर गांव जाना चाहता था। चांदपुर यहां से कितने किलोमीटर है? 5 किलोमीटर है। जंगला नहीं होता ना, जंगला, तो क्या किसको बोलते हैं? खिड़की को। सास, सांस, पांच, हंसना, बांस, खांसी, मुंह, चंद्रबिंदु, द, तो क्या बन गया? मूंद। बू, चंद्रबिंदु, द, बूंद। फू, चंद्रबिंदु, क, फूंक। फू, चंद्रबिंदु, स, फूस। अ, चंद्रबिंदु का अ, अंगूठा। चंद्र मुख। ठीक है बच्चों, आपको इसकी अभ्यास करना है।